स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे अपान मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा बहुत सहायक होती है पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट की सभी तरीके की बीमारियों में। खास तौर पर यह मुद्रा सहायक है हिचकियों में, इम्पोटेंसी यानी कि नामर्दगी में, पाइल्स यानी कि बवासीर, डायबिटीज यानी मधुमेह में। यह मुद्रा डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी को, उसे साफ करती है। पेट से रिलेटेड सभी डिसऑर्डर्स में यह मुद्रा लाभकारी है। इसी तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट के सभी इन्फेक्शियस डिजीजेज में यह मुद्रा लाभकारी है। अधिक रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में यह मुद्रा बहुत सहायक है। जो मासिक धर्म के रिलेटेड समस्याएं हैं उसमें भी यह मुद्रा बहुत सहायक है। दांत का दर्द या मसूड़ों की किसी भी प्रकार की बीमारी में भी यह अपान मुद्रा बहुत ही सहायक है। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें व शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपान मुद्रा तब बनती है जब हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ें मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स के साथ। मिडल फिंगर यानी कि मध्यमिका और रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगलियों को हम जोड़ें अपने अंगूठे के टिप के साथ, और जब यह करें तो बाकी की दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी अपराइट खड़ी होनी चाहिए, जैसा कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। इस मुद्रा को कह सकते हैं यह है यूनियन है अग्नि, स्पेस यानी कि शून्य या अर्थ यानी कि पृथ्वी के एलिमेंट्स को। यह मुद्रा एक तरीके से योग है आकाश व पृथ्वी मुद्रा का। इसीलिए यह अपान मुद्रा अकेले ही आकाश और पृथ्वी मुद्रा के जितना हमें फायदा पहुंचाती है। अपान मुद्रा, यह मुद्रा हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, क्योंकि यह स्टिमुलेट करती है पसीने आने को या पेशाब व स्टूल को आने में। यह एक लैक्सेटिव की तरह काम करती है और हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा दिलाती है। पेट की सभी तरीके की डिसऑर्डर्स में जैसे कि डायरिया या गैस्ट्राइटिस में यह बहुत सहायक है। नौशिया यानी कि उल्टी आने की फीलिंग होना, हिचकियाँ आना या उल्टी ही आना, उसमें यह अपान मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। यह ओवर ईटिंग यानी कि अधिक खा लेने से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें अपान मुद्रा बहुत ही सहायक है। यह जो हमारे यूरिनरी ट्रैक यानी कि पेशाब से रिलेटेड समस्याएं होती हैं जैसे कि सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, अल्बुमिन और पस का पेशाब में आना या पेशाब का रुक जाना, ऐसी स्थितियों में भी यह अपान मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। यह मुद्रा करने से यदि छोटा सा पत्थर अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक में है और हमें बर्निंग सेंसेशन होती है जब हम यूरिन को पास करते हैं, तो इस तरीके की समस्याओं को भी अपान मुद्रा दूर करती है। यह अब मुद्रा हमें लाभकारी है कोलन के इन्फेक्शंस में और पाइल्स यानी कि बवासीर की बीमारी में भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी है। मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याओं में जैसे कि इरेगुलरिटी हो या दर्द हो या क्रैम्प्स होते हों, उसमें यह अपान मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। अपान मुद्रा, यह मुद्रा करने से अधिक रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां नहीं होती हैं। श्वास रिलेटेड सभी समस्याओं का निवारण होता है। लिवर यानी कि जिगर की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अपान मुद्रा से दांत का दर्द या मसूड़ों की किसी भी तरीके की समस्या जैसे कि पायरिया इत्यादि में बहुत लाभ मिलता है। नेवल यानी कि नाभि यदि डिस्प्लेस हो जाए तो यह मुद्रा उत्तान पाद आसन के साथ करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। डायबिटीज यानी कि मधुमेह में यदि हम अपान और प्राण मुद्रा को अल्टरनेटिवली 15-15 मिनट करें एटलीस्ट 3 बार दिन में, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अपान मुद्रा से नामर्दगी यानी कि इम्पोटेंसी भी खत्म होती है। यह मुद्रा यदि 15 मिनट 3 बार दिन में करें, गर्भवती महिलाएं अपने 9वें महीने में यदि ऐसा करें तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। पर एक बात कॉशियस रहने की यह है, सावधानी यह बरतनी है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पहले 8 महीनों में यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज मिस कैरेज होने के चांसेस रहते हैं। अपान मुद्रा, दिस मुद्रा सिग्निफाइज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम नेवल टू फीट, यानी कि जो एनर्जी है वो नाभि से पाँव की तरफ चलती है। इसलिए जितने भी ऑर्गन या शरीर के इस एरिया में आते हैं उनको यह मुद्रा करने से बहुत लाभ मिलता है, जैसे कि पेट, कोलन, रेक्टम, एनस, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, अपने जांघे, हिप्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बोथ महिलाओं और पुरुषों के, उनमें बहुत ये सहायता होती है। गाल ब्लैडर, टांगे, घुटने, अपने पाँव और एड़ियों में भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। माइग्रेन की समस्या से यदि छुटकारा पाना हो तो अपान मुद्रा और जनाना मुद्रा को एक साथ करना चाहिए। अपान मुद्रा कैन बी परफॉर्म्ड डेली एज लॉन्ग एज वन इज विलिंग टू डू इट एंड इट इज़ पॉसिबल। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने के एकदम बाद यह अपान मुद्रा नहीं करनी चाहिए, और यह मुद्रा कैन बी डन एनीवेयर एनी टाइम। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें।
बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 है तत्व मुद्राएं और 5 है प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। यह मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से, तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा। यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है मेआउ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो दो उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी पांचों उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे, यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा। और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा। और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा। और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं, परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज़्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए, हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हैं। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से दो अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा, परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है, तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।